सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है और कुछ नजर अंदाज से। आज का पंचांग 14 जून 2022 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, शाम 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:48 से 5:29 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को कबीर जयंती की शुभकामनाएं। सिंह राशि 14 जून 2022 दिन मंगलवार, आप इस समय पार्टी में जाने और अपने प्रियजनों के साथ भोजन और कला का मजा लेने के मूड में हैं। आनंद लेकिन तो कम खर्च करें, उन करीबी लोगों का ध्यान रखें जो किसी संकट का सामना कर रहे हैं। यात्रा की योजनाओं को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत हो सकती है। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सके। अपने पिछली सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। दिन सुकून भरा व्यतीत होगा। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा तथा सेवा संबंधित कार्यों में योगदान भी रहेगा। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। परिवार के लोगों के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अभी के समय में परिवार को पैसे की मदद करें। फिलहाल खुद के बारे में ना सोचते हुए परिवार के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पैसों से संबंधित फायदा मिलने के बाद भी तनाव और चिंता रह सकती है। पार्टनर के लिए महसूस होने वाली भावनाएं बार बार बदलने के कारण रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नजर आएगा। सावधानियां, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत योजनाएं शेयर ना करें और न ही किसी तरह की बहस में उलझें, क्योंकि कोई कानूनी कार्यवाही होने की स्थिति बन सकती है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होगी तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। आपके प्यार में सच्चाई है, जिससे आपका रोमांटिक जीवन और भी प्रफुल्लित होगा। पार्टनर को किस आलिंगन करना या एक मुस्कुराहट आपकी चाहत की ही निशानी है। यात्रा में विलम्ब हो सकता है। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थाम कर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी, जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है, किंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। अगर अभी आप किसी नए करियर या व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किसी करीबी से राय लें। वित्त, बैंक और धन संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है। जल्दबाजी ना करें और अपने कामों में होने वाली लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और सौदों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें।
बात करते हैं सेहत की। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी, लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज लें। सेहत में होने वाले बदलाव के कारण चिंता भी हो सकती है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।